मुंगेर में ठंड का मौसम आते ही खड़गपुर झील की प्रकृति खूबसूरती का दीदार करने पहुंचने लगे सैलानी। मुंगेर जिला सहित आसपास के कई जिलों से आते हैं लोग, लेकिन संसाधनों का है घोर अभाव। खड़गपुर झील में पिकनिक मनाने वाले दूर दूर से आए लोग पिकनिक स्पॉट का आनंद उठाने के बाद शाम ढलते ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ रहने की नहीं है कोई व्यवस्था। लोगों ने सरकार से की खड़गपुर झील को और बेहतर बनाने की मांग। दरअसल मुंगेर के हवेली खड़गपुर झील की प्रकृति खूबसूरती का दीदार करने सैलानी पहुंचने लगे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंड के दिनों में इस खुशनुमा मौसम के बीच सैलानी भी खड़गपुर झील के प्रकृति का दीदार करने पहुंचने लगे हैं। वहीं आज सैलानियों की काफ़ी भीड़ खड़गपुर झील में देखी गई। वहीं लोग अपने अपने मोबाइल के कैमरे में इस सुहानी प्रकृति, वादियों, पहाड़, झील की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते दिखे। वहीं अमूमन सैलानी अक्टूबर से लेकर फरवरी महीने तक झील की खूबसूरती निहारने पहुंचते हैं, पर इस बार लोग ठंड भरे मौसम का लुत्फ उठाने प्रकृति की गोद में बसा खड़गपुर झील पहुंचने लगे हैं। वहीं आज खड़गपुर झील में आसपास के कई जिलों के सैलानी यहां पहुंचे। वहीं सैलानियों ने बताया कि आसपास के एरिया में इस तरह की प्राकृतिक वादियों का नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। शहरों में धूल, प्रदूषण, शोर शराबा आदि से दूर खड़गपुर झील में सुकून भरे एहसास लेने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा खड़गपुर झील में पर्यावरण को बचाए रखे हैं। वहीं सैलानियों ने बताया कि इस तरह के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। सैलानी भी मानते हैं कि यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। ठंड के मौसम में झील की प्रकृति खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और सैलानी प्रकृति खूबसूरती का दीदार करने पहुँच जाते हैं। हवेली खड़गपुर झील बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर हवेली खड़गपुर में स्थित है। यह झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व बिहार के खूबसूरत पिकनिक स्पॉटों में एक खड़गपुर झील सैलानियों की पहली पसंद है। वहीं चारों तरफ सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित यह झील प्रकृति सुंदरता का एक नमूना है। पहाड़ों के बीच में एक बांध बनाया गया है, जिसे इस झील का पानी नदी में प्रवाहित किया जाता है। वहीं बताते चले कि खड़गपुर झील को किसानों के लिए वरदान माना जाता है, क्योंकि सिंचाई के लिए यह पानी का भंडार है। वहीं बता दें कि मुंगेर जिला सहित आसपास के कई जिलों से भी लोग झील में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन खड़गपुर झील को अभी भी पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का इंतजार है। खड़गपुर झील में पिकनिक मनाने वाले लोग पिकनिक स्पॉट का आनंद उठाने के बाद शाम ढलते ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं सैलानियों ने सरकार से मांग किया है कि इसे और भी बेहतर बनाया जाए और यहाँ रहने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। हमेशा हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, जब भी बाहर से आते हैं हम लोग तो बाहर में रहते हैं। अभी यहाँ घर आए हुए थे तो घूमने के लिए आए, क्योंकि थोड़ा ठंड का ही मौसम था तो सोचे इधर का मौसम अच्छा रहेगा, आए हुए इधर घूमने के लिए। उधर तो पहले से बहुत अच्छा सब कुछ देखने में लग रहा है, बस सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, इधर और भी थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए, सड़कें वगैरह यहाँ पर और भी अच्छा। यहाँ पर हम लोग आते हैं दोस्त लोग के साथ भी, कभी कभी आते हैं घूमने, फैमिली के साथ भी आते हैं सब। यहाँ पर अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में, पूरा सब कुछ अच्छा है घूमने का। सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और भी इसको अच्छा बनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिंस मेरा नाम हुआ। घूमने तो मैं झारखंड से आया, इधर बहुत अच्छा लगा। जब भी इधर आते हैं तो झील में घूमने आ जाते हैं। यहाँ पे झील में थोड़ा दूर से आया झील देखने के लिए, और क्या, सरकार यहाँ पे और थोड़ा ध्यान देगी, झील को खूबसूरत बना देगी तो अच्छा रहेगा। पहले भी आए थे आप? पहले भी हम आए कई बार। पहले जो आए और अभी जो आए, क्या बदलाव दिख रहे हैं? बहुत सारा बदलाव दिखा है। पहले बहुत क्या, यहाँ पे जो था पूरा लकड़ी का पटरा वगैरह लगा हुआ था, और अभी क्या लोहा का लग गया, सेफ हो गया है। अभी यार उधर काम चल रहा था, और भी अच्छा बनने वाला है। हम तो चाहेंगे यार अब बढ़िया करें कि यार सब दोस्त लोग सब आके मिल के देखें, बढ़िया लगे। यार क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिराज खान है।